हाय फ्रेंड्स, मैं हूं तौकीर आलम। फ्रेंड्स, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं और आपने कमेंट बॉक्स में पूछा कि अफेक्ट और इफेक्ट में क्या फर्क है। तो आइए फ्रेंड्स, इस कॉन्सेप्ट को समझें। बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है, उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी बात समझ में आएगी। फ्रेंड्स, अगर आप अफेक्ट और इफेक्ट को शानदार तरीके से समझना चाहते हैं तो सबसे पहले आप इम्प्रेशन और इम्प्रेस के बारे में जानें। अगर आप इन दो वर्ड्स को सीख गए तो आप अफेक्ट और इफेक्ट के बारे में सीख जाएंगे। फ्रेंड, इम्प्रेशन एक नाउन है जिसका मतलब होता है असर या प्रभाव। वही दूसरी तरफ इम्प्रेस एक वर्ब है, यानी एक एक्शन वर्ड है जिसका मतलब होता है असर डालना या प्रभाव डालना। उसी तरीके से फ्रेंड्स, इफेक्ट एक नाउन है जिसका मतलब होता है असर या प्रभाव, और अफेक्ट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है असर डालना या प्रभाव डालना। आइए फ्रेंड्स, इस बात को एग्जाम्पल में समझे। यहाँ मैंने दो एग्जाम्पल्स लिखा हुआ है ताकि आपको ये बात शानदार तरीके से समझ में आ सके। फ्रेंड्स, लिखा हुआ है तुम्हारा प्रभाव लाजवाब था। तो यहाँ पर मैंने लिखा है प्रभाव, यानी मैंने एक नाउन लिखा हुआ है। आप लिखेंगे योर इम्प्रेशन वाज ऑसम। यहाँ पर मैंने लिखा है इम्प्रेशन, तो यहाँ इम्प्रेशन के जगह पर आप इफेक्ट का यूज कर सकते हैं, क्योंकि इम्प्रेशन और इफेक्ट दोनों नाउन होते हैं और दोनों का मतलब असर या प्रभाव होती है। वही दूसरी तरफ अगर हम बात इम्प्रेस की करें, यानी अफेक्ट की करें, तो मैं कहूंगा तुम मुझे प्रभावित किए। इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन हुआ यू इम्प्रेस्ड मी। यहाँ पर वर्ड इम्प्रेस एक एक्शन वर्ड है, यानी एक वर्ब है जो अपने सेकेंड फॉर्म में है। तो मैं अगर चाहूँ तो यहाँ इम्प्रेस्ड की जगह मैं लिख सकता हूँ यू अफेक्टेड मी, क्योंकि जो मतलब इम्प्रेस्ड का वही मतलब अफेक्टेड का। ये दोनों वर्ब है और ये दोनों अपने सेकेंड फॉर्म में है। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स कि आपको ये बात समझ में आई कि इफेक्ट मींस इंप्रेशन यानी असर प्रभाव, और अफेक्ट मींस इंप्रेस यानी प्रभाव डालना या असर डालना, यानी ये एक्शन करना। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स कि आपको ये बात समझ में आई कि इफेक्ट एक नाउन है और इसका मतलब असर या प्रभाव होती है, यानी आप इंप्रेशन के जगह इफेक्ट का यूज करेंगे, और वर्ड अफेक्ट का यूज आप इंप्रेस की जगह करेंगे, यानी वर्ड अफेक्ट और इम्प्रेस दोनों एक्शन वर्ड हैं। और जब आपको कहना हो प्रभाव डालना या असर डालना तो आप इम्प्रेस या अफेक्ट दोनों में से कोई एक यूज करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।